तो भैया सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में एक सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, हर हर शंभु शिव महादेवा, जिसे गाया है अभिलिप्सा पंडा ने। यह सॉन्ग 2 महीने पहले यूट्यूब पर अपलोड किया गया था, जिस पर अभी 73 मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस हो चुके हैं और अभी यह सॉन्ग ट्रेंडिंग पर चल रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले यह सॉन्ग फेंक स्ट्राइक की वजह से यूट्यूब से हट गया था, लेकिन अभी यह सॉन्ग वापस आ गया है। पहले यह सॉन्ग अभिलिप्सा पंडा ने गाया था जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और अभी कुछ दिन पहले इस सॉन्ग को एक मुस्लिम सिंगर फरमानी नाज ने भी गाया है और यह सॉन्ग भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है। लेकिन कुछ मुस्लिम मौलाना इस सॉन्ग का जमकर विरोध भी कर रहे हैं कि ये धर्म के खिलाफ है। इस पर फरमानी नाज ने जवाब देते हुए लिखा था कि म्यूजिक और सिंगिंग को किसी धर्म से ना जोड़े, यह एक कला है। फरमानी नाज ने इसके अलावा भी बहुत सारे शिवजी के सॉन्ग गाए हैं। दोस्तों इस पर आप क्या कहेंगे, आपको किसका सॉन्ग सबसे ज़्यादा पसंद आया, फरमानी नाज या फिर अभिलिप्सा पंडा का? कमेंट जरूर करें। ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो भैया सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में एक सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, हर हर शंभु शिव महादेवा, जिसे गाया है अभिलिप्सा पंडा ने। यह सॉन्ग 2 महीने पहले यूट्यूब पर अपलोड किया गया था, जिस पर अभी 73 मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस हो चुके हैं और अभी यह सॉन्ग ट्रेंडिंग पर चल रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले यह सॉन्ग फेंक स्ट्राइक की वजह से यूट्यूब से हट गया था, लेकिन अभी यह सॉन्ग वापस आ गया है। पहले यह सॉन्ग अभिलिप्सा पंडा ने गाया था जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और अभी कुछ दिन पहले इस सॉन्ग को एक मुस्लिम सिंगर फरमानी नाज ने भी गाया है और यह सॉन्ग भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है। लेकिन कुछ मुस्लिम मौलाना इस सॉन्ग का जमकर विरोध भी कर रहे हैं कि ये धर्म के खिलाफ है। इस पर फरमानी नाज ने जवाब देते हुए लिखा था कि म्यूजिक और सिंगिंग को किसी धर्म से ना जोड़े, यह एक कला है। फरमानी नाज ने इसके अलावा भी बहुत सारे शिवजी के सॉन्ग गाए हैं। दोस्तों इस पर आप क्या कहेंगे, आपको किसका सॉन्ग सबसे ज़्यादा पसंद आया, फरमानी नाज या फिर अभिलिप्सा पंडा का? कमेंट जरूर करें। ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो भैया सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में एक सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, हर हर शंभु शिव महादेवा, जिसे गाया है अभिलिप्सा पंडा ने। यह सॉन्ग 2 महीने पहले यूट्यूब पर अपलोड किया गया था, जिस पर अभी 73 मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस हो चुके हैं और अभी यह सॉन्ग ट्रेंडिंग पर चल रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले यह सॉन्ग फेंक स्ट्राइक की वजह से यूट्यूब से हट गया था, लेकिन अभी यह सॉन्ग वापस आ गया है। पहले यह सॉन्ग अभिलिप्सा पंडा ने गाया था जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और अभी कुछ दिन पहले इस सॉन्ग को एक मुस्लिम सिंगर फरमानी नाज ने भी गाया है और यह सॉन्ग भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है। लेकिन कुछ मुस्लिम मौलाना इस सॉन्ग का जमकर विरोध भी कर रहे हैं कि ये धर्म के खिलाफ है। इस पर फरमानी नाज ने जवाब देते हुए लिखा था कि म्यूजिक और सिंगिंग को किसी धर्म से ना जोड़े, यह एक कला है। फरमानी नाज ने इसके अलावा भी बहुत सारे शिवजी के सॉन्ग गाए हैं। दोस्तों इस पर आप क्या कहेंगे, आपको किसका सॉन्ग सबसे ज़्यादा पसंद आया, फरमानी नाज या फिर अभिलिप्सा पंडा का? कमेंट जरूर करें। ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।